तो भाई साहब आ गए हैं जी डेकोरेशन करने के लिए और वहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही पकवान डला है जी इसके अंदर और इसकी जो खुशबू आ रही है बाहर कुछ ही मत, क्या शानदार खुशबू है। यह सिंदूर का गद्दी दीजिएगा पांच को। तो छठ है, तुम्हारे कई सालों का अरमान जो है पूरा हो गया। इस बार पूरा किया हमको और हम भगवान दिनकर को लाख बार प्रणाम करते हैं, हजार करोड़ बार कि बेटा बहू जो किया है ये बहुत सराहनीय है। तो पहुंच गए जी मार्केट और जिया यहाँ पर आ गई एक बर्तन की दुकान में। दे दो। अच्छा भैया, इसका रेगुलेटर और पाइप चाहिए था, ये जो चूल्हा है। यहाँ पर देख सकते हैं जी चूल्हा मिल रहा है, एक लोहा का बनाया हुआ जो कि हम लोग मिट्टी का यूज करते हैं और अभी तो फिलहाल हम लोग नॉर्मल जो गैस चूल्हा है उसी को यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा आता नहीं किसी को बनाने। बाहर बिकता है कि नहीं कोई आइडिया है? नहीं, जलावन का भी इंतजाम कहाँ से लेंगे? एक का पाइप आएगा, कम दाम का भी आएगा। ये कैसे है? 245 से 200 रूपया पड़ेगा इसका। ठीक है, और एक आएगा 160 रूपए। यही दे दीजिए, इसके बाद रेगुलेटर दे दीजिए। जैसा आपका है लेकिन 495। कैसे कैसे हुआ भैया? ये 45, 200। भैया 20 का 5 सुपारी दे दीजिए। यहाँ पर हमने ले लिया जी 5 सुपारी। अब आ गए हैं जी हम लोग मेन मार्केट जहाँ से हम लोग को सामान लेना है और आज जो है पूरा भीड़ लगा हुआ है, अच्छा खासा दुकान यहाँ पर लगा हुआ है। देख सकते हैं रोड के बीच में ही जो है पूरा लगा हुआ है मार्केट और ये बहुत लंबा फैला हुआ है। तो जिया यहाँ ले रही है जी सारा सामान। यहाँ पर सभी का रेट है जी 25 रुपया पाव भर। आपके ऊपर है कितना लेना है, जो पाव भर का भी है ना? अच्छा, वहाँ जो देख रहे हैं जी सुतनी उसको बोलते हैं, 10 रुपया पीस मिल रहा है भाई साहब। हम लोग कहते हैं कहने में कि सुतनी रहा आज उसी सुतनी कितना रेट है? नहीं नहीं लेंगे लेंगे, चलिए डाल दीजिए सब कुछ ले लिया जी। वहाँ जो अदरक है यहाँ पर जो है बाइक की पार्किंग का बिल्कुल भी जगह नहीं है। बहुत मुश्किल से एक दुकान के आगे जो है दुकान वाले भाई साहब से बहुत आग्रह किया तो उन्होंने गाड़ी लगाने दिया है, उन्हें गाड़ी भी लगाने की यहाँ पर जगह नहीं है। चलो ये सब लेना ही है ना? क्या लिया यहाँ पर? हल्दी। हल्दी वो सब लेंगे, कटुक मसाला और वो जो चिपकाने वाला। हाँ 5 लोग। यहाँ पर ले रही है जी वो हाथी का सेट, यह भी हम लोग के घाट पर तो है चढ़ता है, 350 रूपया सेट बता रहे हैं। जिया तो घर में है ही नहीं जिया? अच्छा देखिए यहाँ पर ले रही है जिया दिया। तो सारी खरीदारी तो हो गई जी, बस बारी है सूप लेने की। जी हमारा सूप तो लिया हुआ हो गया है जी। अभी जिया यहाँ पर लगा रही है जी अल्ता, तो जल्दी से अल्ता लगा लिया जाए उसके बाद जो चूल्हा अच्छा है। भगवान तुमको इतना आगे बढ़ा देंगे। हम कट पर्व में सब माँ के बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, सबका बेटा इसी तरह आगे बढ़ते। पहले मैं अपने घर में छिछवा जहाँ मेरा पैतृक घर है ससुर का, मैं वही करती। यहाँ मेरे पास कोई था नहीं तो वहाँ परिवार मिलजुल के करते थे। प्रियांश को देख सकते हैं अपनी दादी के साथ जय जय कर रहा है। बिल्कुल जय जय कर रहा है, सब कुछ निहार रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि इसके लिए सब कुछ नया नया है। बिल्कुल इतना सुकून हमको लग रहा है। जय जय करो। माता करा दे। जय जय करो प्रियांश। जितना भी रोटी है
है, सभी में घी लगाया जा रहा है। बिना सादा रोटी से नैवेद्य नहीं पड़ता है। अच्छा, इतना मेरा सूप होता है 5 गो, 5 × 2 = 10 रोटी, 1 हाथी। तो इतिफाक से एक हाथी जो अभी आया है खरीद के, मेरा घर में माना हुआ नहीं था मेरा। अच्छा। दिनकर कि क्या कृपा है, क्या सोच के तुम लाया है, तुम क्या लाए तो वही तो उस हाथी की बात होती है जो बगल में जो अभी आया है। तो मेरे मायके में होता है, यहाँ होता भी नहीं। मेरे मायके में भी सबको नहीं होता है, जिसका मन्नत होता है उसी का होता है। अच्छा। तुम अनायास ले आया तो हम अब ईश्वर की क्या कृपा है, मेरे समझ में नहीं आता। लाते हुए लेते हैं क्या सोच के वहाँ गया है, तो हम भगवान को धन्यवाद करते हैं कि आप सोचे होंगे तभी तो मेरे घर आया है। देखो क्या होता है, बाकी आया है तो अब हम नवेद देंगे ही और उनको अर्घ देंगे। यहाँ पर पूजा के लिए जी लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, बस माँ को जो है यहाँ पर सिंदूर चढ़ाना है। क्या हो रहा है? देख रहा है दादी क्या कर रही है। आ गया माँ आपका पोता। अब करा तो लो। हाँ, चल पर देख रहा है क्या हो रहा है। नहीं दादी एक देख रहा है के सुंदर पोता जय करो क्रियांश। प्रणाम कर बेटा, ये तो अपने मन जे मुझसे कर प्रणाम कर ना, पढ़ाई करता थी हम ही कर ये सब कुछ देख के आश्चर्य हो रहा है क्या हो रहा है। यहाँ क्रियांश को देख सकते हैं अपनी दादी के साथ जय जय कर रहा है। जय जय कर रहा है, सब कुछ निहार रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि इसके लिए सब कुछ नया नया। बिल्कुल। अरे पता गीत गा हूँ। सब अरमान पूरा करता, सही मन से निकल उपासना। ये जत्ते से प्रभु ओकरा ले दया पूजा पाठ तो संपन्न हुई जी, अब बारी है प्रसाद लेने की, खरना के प्रसाद की, और चलते हैं चल करके प्रसाद लेते हैं। क्रियांश टीका लगवा लो जल्दी 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 जल्दी। क्रियांश भी प्रसाद खाएगा, खा लिया प्रसाद। पोता का अन्नप्राशन भाग गया दिन कर के प्रसाद। अच्छा। के खानदान में अन्नप्राशन होता नहीं है, हो गया तो हम दिन कर का नैवेद्य दे दिए, यही हो गया अन्नप्राशन। अच्छा लगा आपको? जय जय किया दादी को। पोता का अन्नप्राशन हो गया, जो सिंदूर लगाई है उसको बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहा है बहुत खुशी। सिंदूर लगाई है दादी नाक पर से, सिंदूर के आप ऐसे लगाओ अच्छा लगता है, देखे छे बड़ खुशी। तो आज है जी शाम का, और अभी जो हम सुबह सुबह थोड़ा सा नाश्ता कर रहे हैं, ये है कल रात का जो खरना का खीर है, जो प्रसाद में चढ़ा हुआ था वही अभी खा रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है, बहुत ही टेस्टी खीर बना हुआ है। और कुछ देर में जो हमको मार्केट भी निकलना है छठ के लिए, तो सारी खरीदारी हो चुकी है, बस खाली जो भी फल सब होता है वह सब जा करके लेना है। तो फल हम कल ले सकते थे लेकिन कल जानबूझकर नहीं लिए, आज सोचे कि आज जो है फ्रेश फल लेंगे ताकि फल जो है खराब नहीं हो। तो पहले इसको खत्म करते हैं और निकलते हैं। और इधर जिया जो है अपना कपड़ा निकाल रही है छठ के लिए, कल कन्फ्यूजन था खरना में क्या पहने, आज कन्फ्यूजन है छठ में क्या पहने। और जिया को जो है अब लगना भी है छठ का प्रसाद बनाने में, ठेकुआ और भुसवा। तुम लोग भुसवा क्या बोलती है? लाड़ू। लाड़ू, अच्छा हम लोग लाए को बोलते हैं लाड़ू। कोई बात नहीं, जल्दी कर लो। हो गया जी नाश्ता पानी, और अब सीधा चल रहे हैं मार्केट, वहाँ से जा करके फल ले लेते हैं। कैसे है केला? 2 दर्जन दे दीजिए।
सोच रहे थे कि उस पार चले जाए जो मेन मार्केट है, लेकिन उधर इतनी ज्यादा भीड़ होगी, मुझे मालूम है कितनी ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि कल जब इतनी ज्यादा भीड़ थी आज कितनी भीड़ होगी। तो हम जो है बगल का जो मार्केट है मिर्चा बारी वहीं से ले रहे हैं, थोड़ा रेट ज्यादा पड़ेगा लेकिन उस भीड़ से बच जाएंगे। 100 में ढेर जी लीजिएगा ढंग का चुन के। हम लोग जेल में आज बिते हैं, कल भी वही रेट बिचेंगे, परसों वही रेट बिचेंगे। चलिए ठीक है। ये कैसे भैया? और अनार कैसे होगा भैया? 200 रुपया एक किलो, ये एक किलो वो कर दीजिए। पी कैसे है? 150। अच्छा एक किलो दे दीजिए, 2 किलो कर दीजिएगा नाशपाती। ढंग का दीजिएगा, चिंता मत कीजिए। बस कितना हुआ बता दीजिए भैया? सिंदूर का गद्दी दीजिएगा 5 गो। ये वाला दीजिएगा भाई। 20 रुपया का 5 सुपारी दे देना। अमरूद कैसे भैया? अमरूद हरा वाला दीजिएगा। 250 में पूरा सेट? हाँ पूरा सेट। तो भाई साहब 250 रुपया में पूरा एक सेट दे रहे हैं। मार्केट से आ गए जी और सारा सामान तो लेते ही आए, बस अब बारी है डेकोरेशन की। तो डेकोरेशन के लिए जो यह फूल लाया है, और यानी जो है एक डेकोरेशन वाली भैया है उनको भी कॉल किया हुआ है, तो वहाँ आएंगे और बाकी जो भी काम सब होगा वह करेंगे आगे। और उम्मीद करते हैं कि अच्छा डेकोरेशन हो ऊपर। वैसे हमने भी जो है एक जगह बात किया था, लेकिन वो कहे कि आज जो है बहुत बिजी है, छठ घाट पर सभी का काम है और घर यहाँ पर स्टाफ की कमी हो रही है। तो जियाने जो है किसी एक भैया को जुगाड़ कर लिया है, तो भैया आकर के करेंगे। मुझे तो अभी भी डाउट लग रहा है कि वो कोई भी आ पाएगा, क्योंकि छठ के दिन सभी को बहुत काम रहता है, और अगर बाई चांस नहीं आए तो उसके लिए बैकअप प्लान तैयार है। हमारा रिंग लाइट है, रिंग लाइट का सभी का स्टैंड है, वो लगा देंगे और फिर उसके बाद जो है वहाँ से डेकोरेशन कर देंगे चारों तरफ। क्रियांश की मालिश हो चुकी है और क्रियांश जो है बहुत झूम रहा है, लेकिन हम चाह रहा है कि कोई इसको गोद में ले और घूमेंगे, है ना? हाँ नहाना है तुमको, अब कुछ नहीं चलेगा, अब नहाना होगा, ठीक है? नहीं नहीं करनी है। और माँ का जो है छठ का मेन कह सकते हैं कि आज का दिन जो है मेन छठ होता है, सब कुछ आता है, उतना गिरथैन भी ज्यादा है, गिरथैन थोड़ी ज्यादा है। और गिरथैन बताइए, यहाँ जो है भुसबा जो है तैयार हो चुका है। ये क्या कर लिए? अच्छा ये शक्कर है, तो भुसबा है ये, मतलब गुड़ तो है ना, खजूर गुड़ ना है, तो वो पानी में नहीं घुलेगा, तो उसको तब तक पानी में खोला हुआ पानी में रख देगी, वो जब घुल जाएगा तो उसी पानी से आटा सान ले। अच्छा ठेकुआ जो बनेगा इस बार उसमें वही डलेगा, गुड़ से बनेगा इस बार, आधा चीनी से आधा गुड़ से। अच्छा आधा चीनी और आधा गुड़ से, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जी, यहाँ पर जो है भुसबा तैयार है, क्रियांश की नई नई हो चुकी है ना। अब क्रियांश को जो है ये दे देते हैं, उसका खिलौना दे देते हैं क्रियांश को, और क्रियांश अपना खेलेगा अपने इस खिलौने से। और इधर जो है जिया ठेकुआ की लगभग तैयारी कर चुकी है, बस अब इसको शेप देना है, उसके बाद तलना है। जैसे ही पकवान डला है जी इसके अंदर, और इसकी जो खुशबू आ रही है, बात कुछ ही मत, क्या शानदार खुशबू है, खुशबू ऐसे भी आता है। और इधर जितना भी फल है इसको भी जाकर के छत पर धोना है हमें। हमारे क्रियांश वहाँ से जो है अब सो गए हैं, तो अब क्रियांश जैसे ही सोया है तो सभी को फुर्सत मिली है बाकी सारे काम निपटाने की। नागू भैया का बेटा वो छोटा था, वो हम लोग भी पढ़ते थे 5-6, वो बहुत छोटा था, उसको बोला कि पाँच चिड़िया का नाम बता, तो बोला टहुआ मैना टहन वो टीड़िया। आज आ रही है पापा को बुलाने के लिए, तो हम और पापा मिलकर के इसको धोएंगे। यहाँ पर जितना सूप है जी सारा सूप तो धुल चुका है, उसके बाद जितना भी फल है सब फल को धोया जा रहा है वहाँ पर। तो भाई साहब आ गए हैं जी डेकोरेशन करने के लिए, और वहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं।